हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड कॉन्स्टेबल आरएम की सैलरी कितनी होती है, कितनी आपको बेसिक पे मिलती है, कितनी आपको डीए मिलता है, रिस्क अलाउंस कितना मिलता है, राशन अलाउंस है वो आपको कितना दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं, इसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो आपकी ज्वाइनिंग हुई है 2/7/2021 को ज्वाइनिंग हुई है। अभी इसका ट्रेनिंग जो पेड होता है, प्रोबेशन पेड होता है, वो आपका चल रहा है। तो इसकी 1 सितंबर 2021 की सैलरी स्लिप है। तो बात कर लेते हैं हम इसके जो बेसिक पे की डीए की कितनी मिलती है सभी चीज़ें, और मैंने हाइड कर दी हैं। पे मैट्रिक्स लेवल है 4 है। जो इसका बेसिक पे है वो आपको दिया जाता है 25,500 रुपये। डीएनएस अलाउंस आपको मिलता है 7,140 रुपये। इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता आपको डीए मिलता है 7,140 रुपये 28% पे आपका बेसिक पे के। तो आरएम में आपको मिलता है, वो मिलता है आपका राशन मनी अलाउंस मिलता है 3,568 रुपये मिलता है। आरएचए रिस्क अलाउंस मिलता है, आप रिस्की एरिया में हो तो आपको रिस्क अलाउंस मिलता है 6,000 रुपये। कुछ इसमें डिडक्शन भी होती हैं, डिडक्शन के बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ जो आपके पैसा वो डिडक्ट होता है। तो जो आपके डिडक्शन होती है उसमें सीईजी जीआईएस के आपके 30 रुपये कटते हैं, और जो सीपीएफ एएमटी के आपके 3,264 आपके टोटल आपके वो कट जाते हैं, जिसमें जोड़ने के बाद आपकी डिडक्शन वो इतनी ही होती हैं। लेकिन जो आपकी प्राइवेट डिडक्शन होती हैं वो देख लेते हैं कितने कितने आपके जो सैलरी है उसमें से कट जाती है प्राइवेट डिडक्शन के लिए। प्राइवेट डिडक्शन आप देख सकते हैं, प्राइवेट डिडक्शन में आपके वेल फंड के कट जाते हैं, इंडियन फंड के कट जाते हैं 40 रुपये, वैन फंड के आपके कट जाते हैं, सीआरएफ के कट जाते हैं 25 रुपये, और 500 रुपये गोल्डन जुबली सीमा ये आपके कल्याण कवच के हैं, इसके 500 रुपये आपके कट जाते हैं। तो डिडक्शन होती है प्राइवेट डिडक्शन इसमें से आपकी जो आपकी सैलरी है इसमें से आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो आपको कितने मिलते हैं वो देख लेते हैं, नेट सैलरी ग्रोस सैलरी वो कितनी आपको मिलती है। इसमें आप एडवांस भी ले सकते हैं, एडवांस की भी आपको दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस कितना आपको आप ले सकते हैं, किस चीज़ का एडवांस मिल सकता है उसके कोड दिए हुए हैं आपको। आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है, मतलब जहाँ पे आपके जो बेसिक पे वगैरह सब जुड़ी हुई हैं, अलाउंस जुड़े हुए हैं, वो आपकी बनती है 46,965 रुपये आपकी बनती है, जिसमें आपको क्या होता है डिडक्शन होते हैं 3,294 रुपये जो डिडक्ट हो रहे थे उससे आपके कटने के बाद 43,671 रुपये आपके बच जाते हैं। फिर आपकी उसमें से आपकी प्राइवेट डिडक्शन होती है 650 रुपये, उसी कटने के बाद आपके जो बैंक अकाउंट में आते हैं वो 43,021 रुपये आपके आते हैं। ये आपकी नेट सैलरी हो जाती है आपके अकाउंट में इनहैंड। ये थी आपकी सैलरी स्लिप हेड कॉन्स्टेबल आरएम की। और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।